तो गाइज आप लोगों को इधर आके थोड़ी ट्रैकिंग भी करना पड़ेगी। हम लोग जैसे हम लोग कर रहे हैं, देखें। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, ये होप कि आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह, मुत्याला मधुबू फॉल्स, जिसको पर्ल वैली भी कहा जाता है, जो बैंगलोर से कुछ 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसको पर्ल वैली क्यों कहा जाता है या फिर इसका नाम पर्ल वैली क्यों रखा है, ये मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मिस मत करें। सो गाइस फाइनली हम लोग आके रीच हो गए इधर पे, अभी अभी बस आए हैं। इतनी बढ़िया जगह है ना, इतना नीट और क्लीन रखे ना इस जगह को, एकदम बढ़िया जगह है। हम लोग बस अभी अभी आए हैं, आके उधर पे पार्किंग करना है गाड़ी उधर पे, देखिए पीछे उधर पार्किंग करके अंदर आना है। आने से आप लोगों को आगे स्टेप्स मिलेंगे, ये देखें गाइस आप लोग, इस तरह आप लोगों को स्टेप्स मिलेंगे आगे जाते हुए। और पता नहीं कितने स्टेप्स हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोग को एकदम फुल नीचे उतरना है। उतर के आगे जाके देखते हैं और क्या है, कैसे जाना है बोल के। देखें गाइस आते हुए आप लोगों को इधर पे इस तरह बैठने के लिए एक जगह मिलेगी। आप लोग उतने स्टेप्स उतर के अगर थक गए होंगे, अगर कोई बच्चे होंगे आप लोगों के साथ, तो उतर के इधर आके बैठने के लिए स्टेप्स एकदम बढ़िया जगह है। और इधर पे आप लोग एकदम बढ़िया वाला फ़ोटोशूट्स भी कर सकते हैं आके, ये देखें इस तरह है। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली लाइक 150 स्टेप्स नीचे उतरे, शायद से अप्रॉक्सीमेटली उतने ही होंगे। हम लोगों ने काउंट नहीं किया, लेकिन नीचे आने से अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ये देखे इतना ही पानी है इधर पे। उतना ज़्यादा आप लोगों को कुछ ये नहीं है, आप लोग अगर सीज़न के टाइम आएंगे ना तो सच में बोल रहा हूँ बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं इधर आके, एकदम बढ़िया जगह है। लेकिन बहुत केयरफुल रहना है आप लोगों को मंकीज से, और ये जो ये है ना, ये देखिए इस तरह माउंटेन्स का ये जो ये, इससे आप लोगों को केयरफुल रहना है। आके एंजॉय कर सकते हैं अगर आप लोग सीज़न के टाइम पे आएंगे तो ही, ऐसे ही अगर नॉर्मल टाइम पे आ रहे हैं तो बस इतना ही मिलेगा आप लोगों को। शायद ऊपर और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर हम लोग जा नहीं सकते, आप लोग देख ही सकते हो। अभी अभी हम लोग को पता चला है कि अंदर भी और जाने से और कुछ भी मिल सकता है, ये देखिए ये अंकल ने हम लोग को बताया अंदर और भी है बोल के। तो गाइज आप लोगों को इधर आके थोड़ी ट्रैकिंग भी करना पड़ेगी। हम लोग जैसे हम लोग कर रहे हैं, देखें इस तरह आप लोग। और लेकिन अगर आप लोगों के साथ कोई बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी अनसेफ है जगह, क्योंकि ये देखें इस तरह आप लोगों को चढ़ना पड़ेगा। अगर अबाउ 15 या 18 है तो आप लोग आ सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के साथ बच्चे हैं तो आप लोग वही स्पॉट पे रुक सकते हैं, क्योंकि इधर अंदर लेके आने से बच्चों को रिस्क है। तो गाइस हम लोगों ने ना इतनी ऊपर लेके आए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हम लोगों ने ऊपर चढ़ाए और बहुत थक गए हैं इधर पे आके। चेक करें आप लोग व्यू पीछे, लेकिन इतनी ऊपर आने के बाद हम लोग को कुछ भी वाटरफॉल्स ऐसा कुछ भी नहीं मिला है बस, मगर व्यू जो है ना एकदम बढ़िया है। और चलिए और ऊपर चढ़ के देखते हैं और कैसा है, लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों आने के पहले एक बार ये मेरा व्लॉग पूरा देख लें, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके किस तरह है, कैसा गम जाती बोलो। तो गाइस ये देखें हम लोग लास्ट इधर आके रुक गए हैं, इतना ही है। ये चेक करें आप लोग व्यू, ये रास्ता अभी ना सेम उसी तरह का रास्ता है जिस तरह हम लोगों ने पिछला व्लॉग में गए थे हम लोग, बस डिफरेंस ये है कि पिछला व्लॉग में हम लोगों ने इतना चला नहीं था, क्योंकि पिछला व्लॉग में जिस जगह हम लोग गए थे वो जगह हम लोग को टू व्हीलर अलाउड थी, लेकिन इधर पर हम लोग टू व्हीलर लेके नहीं आ सकते अंदर, तो हम लोगों को बहुत चलना पड़ा इधर पर आके। अगर आप लोगों में से किसी ने भी पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा तो जाके ज़रूर चेक करें, वरना आप लोग बहुत ही मज़ेदार प्लेसेस मिस कर देंगे बेंगलोर में। तो आप लोग देख ही सकते होंगे हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट हो गए हैं,
क्योंकि ऊपर जितना भी आप लोग चढ़ रहे हैं ना उतना लाइक यही है, ट्रैकिंग ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा फिर नीचे जाएंगे, नीचे वही जो छोटा मोटा जो वाटरफॉल्स था उधर ही हम लोग थोड़ी देर बैठ के उधर से हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का प्लान है ट्रैकिंग आने के लिए तो बेस्ट जगह है ट्रैकिंग के लिए, थोड़ा केयरफुल रहना होगा आप लोगों को, लेकिन एकदम बढ़िया बेस्ट जगह है आप लोगों को ट्रैकिंग के लिए। और अपने साथ एक वाटर बॉटल लेके आना मत भूलें, क्योंकि बहुत ये होने वाला है इधर पे आने के बाद आप लोगों को कि एकदम जो रास्ते हैं ना आप लोगों को पहाड़ के बीच से आप लोग को चढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा देख के आए आप लोग भी, केयरफुल रहें, कुछ भी हो सकता है, सतर्क रहें और सावधान रहें आप लोग भी। तो गाइस हम लोग नीचे आ गए हैं इधर पे फिर से वही जो छोटा वाला वो जो वाटरफॉल्स था उधर ही आके अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग पानी में जाएंगे, तो चलिए जाके देखते हैं। ये देखें आप लोग, दो भाई साथ जा रहे हैं। गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने पानी में कितना एंजॉय किया, आप लोग भी जरा के एंजॉय कर सकते हैं। उतना कुछ डीप नहीं है पानी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को सीजन के टाइम आए आप लोग, क्योंकि अभी उतना कुछ पानी नहीं है, उतना कुछ वाटरफॉल्स टाइप नहीं है। तो आप लोग बेस्ट सीजन टाइम पे आए, बहुत एंजॉय करेंगे और ट्रैकिंग भी एकदम बढ़िया वाली ट्रैकिंग है इधर पे। अगर आप लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं और अगर आप लोग नेचर लवर है ना, तो इतना नेचुरल वाइब्स मिल रहा है इधर पे, क्या ही बोलूँ आप लोगों को, आप लोग आके विजिट करें एक बार। इधर उतना क्राउडेड भी नहीं है जगह, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को सीक्रेट प्लेस है, उतना क्राउडेड नहीं है, आके एक बार ज़रूर विजिट करें आप लोग, सीजन टाइम आए बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग भी। अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर जाने के लिए, एकदम भीग गए और जो ठंड है ना इधर पे, इतना भीगने के बाद एक अलग ही मज़ा आ रहा है। तो सीधा इधर से हम लोग घर निकलेंगे, हो गया इधर पे कुछ और स्टेप से चढ़ने के बाद हम लोग सीधा घर जाएंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग बाहर आ गए हैं, बस अभी बाहर आए, अभी हम लोग एकदम तैयार हैं निकलने के लिए। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये देखिए ये बोटिंग सेंटर है इधर पे, मयूरा बोटिंग सेंटर बोल के। आप लोग अगर इधर आ रहे हैं तो इधर आके आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, एकदम बढ़िया जगह है, आए एक बार। लेकिन सीरियसली मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग सीज़न टाइम पे आए, वरना हम लोग जैसा हो जाएगा, पानी उतना नहीं रहेगा। अगर आप लोग सीज़न टाइम पे आएंगे ना तो पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। तो आए एक बार एटलीस्ट बोटिंग ट्राई करें इधर पे, हम लोग को अभी तक ओपन नहीं हुआ है इधर पे, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं बोटिंग। हम लोग अभी घर निकल रहे हैं तो हम लोग को अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं मिला बोटिंग करने का लिया, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और इसमें हम लोग ज़रूर करेंगे एक बार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगला व्लॉग में किसी और नया कंटेंट के साथ। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ इस जगह को पर्ल वैली भी क्यों बुलाया जाता है। इस जगह को पर्ल वैली इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इधर का जो वाटरफॉल्स है ना, जो पानी इधर पर जो गिरता है एकदम लाइक क्लीन रहे, इतना प्योर है कि इसको पर्ल जैसा दिखता है वो। अगर आप लोग सीज़न टाइम पे आएंगे जब पानी ज़्यादा होगा तब आप लोगों को देखने मिलेगा कि कितना क्लीन वाटर है और एकदम पर्ल जैसा दिखेगा ये पानी, तो इसीलिए इसको पर्ल वैली भी कहा जाता है।